हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ वैश्यराज भट्टराई और आप देख रहे हैं रियल सेफ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी लेमन चिकन का रेसिपी बताने वाला हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा जूसी एंड टेस्टी होने वाला है। सो गाइज, इस रेसिपी को आपको जरूर ट्राई करना है। तो चले गए, इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं और बनाते हैं लेमन चिकन की रेसिपी। सो गाइस, ये लेमन चिकन हमारा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस और बहुत ही ज़्यादा इजी एंड बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 1.5 किलो चिकन ले रखा है और 1.5 किलो चिकन मैंने थाई और यानी कि बैक पीस और साथ में विंग्स ले रखा है। सो गाइस, सबसे पहले हम चिकन को अच्छी तरीके से धोते हैं। सो गाइस, इस तरीके से हमने चिकन को पहले अच्छी तरीके से धोना है और हम दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि इसका जो बचा खुचा पानी है वो भी इसमें अच्छी तरीके से निकल जाए। सो गाइस, इसमें जो भी पानी है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से निकालना है, पानी बिल्कुल नहीं रखना है। उसके बाद हमें इसमें डालना है नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है लेकिन थोड़ा सा कम ही डालना है और आधा चम्मच आपको ब्लैक पेपर डालना है। सो गाइस, वैसे लेमन चिकन में आपको ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करना है लेकिन ये जो मसाला है आप देख सकते हैं कायनात का मसाला है, इसको भी आप दो पैकेट यानी कि छोटे पैकेट दो पैकेट डालना है। ये मसाला काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है और जो हम रेसिपी बना रहे हैं आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। और साथ में हमने जो जुलियन कटा हुआ अदरक डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। सो गाइस, देख सकते हैं इसको हमने चारों तरफ से अच्छी तरीके से मिलाया है और अब हम इसको सीधा डालेंगे कुकर के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसी तरीके का पानी या ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। और कुकर में डालने के बाद हम इसका ढक्कन सीधा बंद करेंगे और इसको चढ़ाएंगे गैस में। गैस में गाइस, जो घर वाला गैस है उसमें हाई फ्लेम में आपको लगातार इसमें 4 सीटी लगाने हैं। गैस स्लो नहीं करना है, फुल गैस में आपको 4 सीटी लगने देना है। उसके बाद गैस को आपको बंद करना है। तो गाइस, इस तरीके से हमने 4 सीटी लगा दिए हैं और गैस को बंद कर दिए हैं और इसका जो ढक्कन है कुकर का आपने आप इसको खुलने देना है। ठीक है, आपको पहले गैस नहीं निकालना है, इसको अपने आप ही बंद होने देना है, मतलब गैस पूरा निकलने देना है। तो गाइस, जब तक कुकर का जो गैस निकल जाएगा तब तक हम कर रहे हैं इधर जुलियन कटिंग अदरक। और साथ में देख सकते हैं मैंने 4 नींबू ले रखा है लेकिन अभी मैं 3 नींबू का यूज़ करने वाला हूँ, यानी कि 2 नींबू का मैं रस निकालूंगा और 1 नींबू को मैं थोड़ा सा पतले स्लाइस में काटूंगा। और साथ में इसके आपको बीज भी निकालने हैं। और जो 2 नींबू के हैं उसके मैं रस निकालने वाला हूं। तो गाइस, इस तरीके से हमने नींबू को निचड़ लिए हैं और इधर इससे जो कुकर का ढक्कन भी खुल चुका है, देख सकते हैं चिकन बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है। और हम दोबारा गैस को ऑन करते हैं और एक कढ़ाई लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जो चिकन में जो सूप है, चिकन का सूप यानी कि ओरिजिनल सूप तो यही है। अगर आपको सूप पसंद है तो ये ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। जो ये सूप दिख रहा है आप, हम इसको कढ़ाई में पलटेंगे। आप चाहे तो इसको ड्राई भी बना सकते हैं लेकिन जिस तरीके से मैं आज बनाने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा जूसी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। आप इसमें देख रहे हैं ऑयल टाइप का दिख रहा है लेकिन ये ऑयल नहीं है बल्कि जो चिकन से निकल रहा है फैट वो है। तो इस तरीके से हमने कढ़ाई में जो उसका चिकन का सूप था उसको पलट लिए हैं और जो हमने जुलियन अदरक काटे थे इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। साथ में जो हमने रिंग्स में जो हमने नींबू काटे थे ये भी इसमें डाल देते हैं। सो साथ में हरी मिर्च भी 2 हमने काटा है वो भी डाल दिए हैं। और इसमें हम डाल रहे हैं लगभग आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा चाट मसाला, इसको पहले मिलाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बिल्कुल आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से घोलना है। आपको बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ग्रेवी में डाल के जो चिकन का सूप है उसमें डाल के अच्छी तरीके से इसको मिलाना है।
बिल्कुल हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। देख सकते हैं कितना बढ़िया अब लग रहा है। और इसमें हमने जो नींबू का रस निकाला था इसको भी हमने इसमें डाल दिया। और साथ में अब हम डालेंगे इसमें चिकन। तो सारा चिकन हम इसमें पलटेंगे और इसको बिल्कुल प्यार से मिलाएंगे। आपको गाइस ध्यान रखना है क्योंकि चिकन अच्छी तरीके से पक चुका है, सो अगर आप ढंग से नहीं हिलाएंगे तो ये टूटने का डर है, तो इसको प्यार से हिलाएं। इसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आपको बस जस्ट एक मिनट के लिए इसको ढक के पकने देना है बस, ताकि जो भी जो लेमन वगैरह है जो चिकन के अंदर तक चले जाए। तो गाइस इस तरीके से देख सकते हैं फाइनली हमारा लेमन चिकन बनकर, बहुत ही बढ़िया लेमन चिकन बनकर तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जूसी, कितना सॉफ्ट, बढ़िया लग रहा है। तो चलिए इसको एक प्लेट में निकालते हैं अब। देख सकते हैं जो नींबू के रिंग्स हैं उसको भी हम ऊपर से डाल देते हैं और आधा नींबू हम ऊपर से और ऐड कर रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली हमारा बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी लेमन चिकन बनकर बिल्कुल तैयार है। तो गाइस इस तरीके से बनाया हुआ लेमन चिकन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, सो एक बार तो इसको इस तरीके से बनाकर जरूर ट्राई करें। एक पीस मैं आप लोग को तोड़ के दिखाता हूँ, सो यहाँ पर देख सकते हैं कितना सॉफ्ट एंड जूसी लग रहा है। अगर आप चिकन के लवर हो और तरीके से चिकन बनाकर खाकर बोर हो चुके हो तो एक बार इसको आप जरूर ट्राई करना है, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट चिकन है। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते प्यार से कमेंट छोड़ते जाइए। सो गाइस इस वीडियो करते हैं अभी खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेसिपी साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।